Inhale up. Inhale up. आप आस्ते आस्ते अपने पीछे से कमर उठाएं, अपनी पंडली को पकड़ें, पकड़े पंडली को यहाँ से नीचे वाली टांग सीधी जमीन पर टैच, नीचे वाली टांग सीधी करेंगे और आस्ते आस्ते अपने घुटने को बोसा देंगे, सेम बोसा, वेरी गुड माशाल्लाह, चेंज पोजीशन चेंज करें, पंडली को पकड़ें और टांग को खींचते हुए चेहरा पीछे से उठाते हुए अपने घुटने को बोसा देंगे, चेंज टांग सीधी जमीन साहब साहब तो होल्ड कर लेते हैं, टांग सीधी, हाँ ऐसी है, पीछे से सर उठाते हुए अपने घुटनों को बोसा देने की कोशिश करें, वेरी गुड माशाल्लाह, करें करें लेट जे सारा वजन जमीन को दे दें, लेट जे, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अब टांगे उठाएं, उठाएं टांगे अपनी आगे पीछे टांगे उठाएं और सर उठाएं, वेरी गुड माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स माशाल्लाह, फिर उठाएंगे दोनों टांगे उठाएं तकरीबन 3 फुट और 1.5 फुट सर को उठाएंगे, इनहेल अप, उठाएं, 1 आपकी हिप जमीन पे टैच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, जिसने पेट कम करना हुआ अदायगी पूरी करे, इससे पेट बहुत जल्दी शिलिंग होगा, 3 लंबे गहरे सांस लें, अपने सांस को बहाल करें, इनहेल अप, नंबर 11 सांस भरें, आगे इनहेल अब राइट लेग को अप करेंगे, अप करें और अप करें और मखालफ हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, टांग सीधी, टांग में खम नहीं होगा और मखालफ और अपने हाथ की थैली की तरफ देखें, वेरी गुड माशाल्लाह, देखें देखें टांग को सीधा करें, आपका घुटना बेंड नहीं होना चाहिए, नीचे वाली टांग सीधी, ऊपर वाली सीधी, चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टांग को सीधा करें, चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड माशाल्लाह, अप रिलैक्स, सुभान अल्लाह, राइट घुटने को बंद करें और अपने घुटने को लॉक करें, दोनों हाथों से लॉक करके खींच के अपनी चेस्ट के साथ टच करें और खींचें और पीछे सर उठाएंगे, अपने शोल्डर नहीं उठाएंगे, सर उठा के अपने घुटने को बोसा दें, ये रहना सर, चेंज पोजीशन चेंज करें, चेंज अब दोनों घुटने बंद कर लें, दोनों घुटने बंद करें।